ऑलराइट गाइस, सो हमने अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि हमने अभी अपने इस पिछले वीडियो में फॉर्म के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम यहाँ पर tut9.html की एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पर मैं जल्दी से html की बॉयलर प्लेट को लगा दूंगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसका जो टाइटल है वो सेट कर दूंगा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच से वीडियोस देखते हैं जो कि सही नहीं है। इन वीडियोस को सही से देखने का तरीका है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें एक एक बार, क्योंकि कई चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं वो आप लोग मिस कर जाएंगे। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तब भी आप लोग इसको देखें, और अगर आप लोगों को आता भी है तब भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये देखेंगे तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ वीडियोज़ तक का टाइम दें आप, उसके बाद मैं एडवांस चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा और वो एडवांस चीज़ें एब्सोल्यूट बिगिनर्स को भी समझ में आए, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक पैराग्राफ और मैं लिखूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ और मैं कंट्रोल एस करके अगर गो लाइव करूँ तो आप लोग कहोगे हैरी भाई टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, दिस इज़ अ पैराग्राफ ही लिख कर आएगा। नहीं, मेरा मुद्दा वो नहीं है, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने दिस इज़ ऑल्सो अ पैराग्राफ लिखा तब क्या होगा, तब ये दूसरी लाइन में आ गया यार, मैंने तो यहीं पर लिखा। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ ऐसे तो भी तो देखो वहीं पर है, रिलोड करूं तब भी वहीं पर। मैं चाहता हूं कि दिस इज़ अ पैराग्राफ यहां पर आए, उसके बराबर में दिस इज़ अ पैराग्राफ आए। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो दिस इज़ अ पैराग्राफ है वो एक दूसरी लाइन में जंप कर गया, मैं चाहता हूं एक ही लाइन में आए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो पैराग्राफ होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब वो सारी जगह ले लेता है जितनी उसको मिलती है विड्थ में, और अगला कोई भी एलिमेंट है वो उसके बाद में आएगा। अगर मैं इस पैराग्राफ को स्पैन कर दूँ और इसको भी स्पैन कर दूँ तब देखो क्या होगा, तब देखो दिस इज़ अ पैराग्राफ आ गया, दिस इज़ ऑल्सो अ पैराग्राफ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्पैन है, जो स्पैन टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि वो एक ही लाइन में आ सकता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिखूं कुछ इस तरह से, दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ अ स्पैन कर देता हूँ इसको, मैं एक काम करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं अगर लिखूँ मैं पर स्पैन कर देता हूँ और मैं ऑल्ट दबाकर जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ मेरे कर्सर बनते जाएंगे। देखते जाओ आप लोग कैसे कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर कर दी गड़बड़ थोड़ी सी, स्पैन आप लोग लिखना, और स्पैन लिखते ही ये देखो यहाँ पर स्पैन, और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को हटाकर स्पैन लिखना था बेसिकली, और मैंने यहाँ पर पूरा बवाल कर दिया है। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ जल्दी से, और दिस इज़ ऑल्सो स्पैन कर दिया मैंने, ठीक है। तो स्पैन स्पैन दो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो दिस इज़ अ स्पैन, दिस इज़ ऑल्सो स्पैन, ठीक है। और ये क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं इसीलिए एक ही लाइन में आ गए, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, क्या करूँगा, मैं बॉर्डर लगाऊँगा आपको, कोई बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं यहाँ पर स्टाइल दे रहा हूँ। मैंने अभी सीएसएस बताया नहीं आप लोगों को, मैं यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर डाल रहा हूँ उसमें। आप लोग कहेंगे कि आपने अभी तक बॉर्डर के बारे में कुछ बताया नहीं है, आप बॉर्डर कैसे डाल रहे हो, लेकिन अभी के लिए आप इस टैग को इग्नोर करो, हम सीएसएस में आएंगे। और अगर आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है तो मैं बता दूँ, ये स्टाइल है, ये रिकमेंडेड नहीं होता है, इनलाइन सीएसएस में यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर टॉगल बॉर्डर आप कर लेता हूँ ताकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मेरा ना आए। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको रेड कलर का बॉर्डर दे दिया। अब देखो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर आ गया, तो मैं पहले वाले को रेड दूसरे वाले को ब्लू दे देता हूँ। तो स्टाइल इज इक्वल टू ये करने से क्या होगा, इसमें बॉर्डर मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है अपन को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू ये किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पैन में भी मैं स्टाइल इज इक्वल टू ये करूँगा, कंट्रोल एस सेव करूँगा, और ये देखो यहाँ पर रेड रेड कलर के दो ये इस तरह से, ये जितनी जगह है इनकी उतनी लेते हैं जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पूरी विड्थ खा जाते हैं। पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं और भी आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, बस आप कुछ ऐसा समझ लो कि जो पूरी जगह ले ले वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, जो अपनी सिर्फ जगह ले वो इनलाइन है, बस अभी के लिए इतना ही। और अगर मैं div लिख दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको ही div कर दूँ तो आप देखना क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ये भी div है। तो यहाँ पर मैंने div को शायद बंद नहीं किया, div ओके, यहाँ पर मुझे div लिखना चाहिए। तो यहाँ पर
डिव मैंने किया तो ये देखो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डिव की जगह अगर मैं यहाँ पर मान लो यू एल कर देता हूँ, मैं जस्ट करके देख रहा हूँ, यू एल एक फेयर टैग नहीं क्योंकि यू एल के अंदर एल आई होना ज़रूरी है, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा। स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था ना आपको जो बोल्ड कर देता है, तो ये देखो इसने इतनी ही जगह ली, लेकिन क्योंकि इसका जो अगला वाला था एलिमेंट वो एक ब्लॉक एलिमेंट था इसलिए उसने नई रो में अपनी जगह बनाई, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे देखेंगे कैसे काम करती हैं सब चीज़ें, तब आप लोग को और अच्छी तरह से पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एंकर टैग और करके दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर एंकर टैग लगा देता यानी कि ए लगा देता मैं, यानी यहाँ लगाऊंगा ए टैग इस वाले स्पैन में, इस वाले स्पैन में नहीं सॉरी इस वाले पैराग्राफ में लगाता हूँ, पी की जगह बेसिकली ए कर रहा हूँ मैं। और जैसे मैंने ये किया ये देखो ये आ गया एक ही लाइन में, ए भी हमारा इन लाइन एलिमेंट है तो इसलिए सब कुछ एक लाइन में आ गया। तो सब कुछ एक लाइन में करना है तो आपको क्या करना है, इन लाइन एलिमेंट्स को यूज़ करना है, या फिर आपको सी एस एस की मदद से जो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको इन लाइन बना देना है। अब ये चीज़ कन्फ्यूजिंग हो सकती है, मैं पूरा एग्री करता हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकती है इस पॉइंट पर, और मैंने इंट्रोड्यूस ही इसलिए करी है क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रहा था इनलाइन ब्लॉक और ये जानना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट। हम लोग यहाँ पर नवे ट्यूटोरियल में आ चुके हैं, यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है इनलाइन क्या है ब्लॉक क्या है, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने इस चीज़ को एड्रेस कर दिया। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्विक क्विज देना चाहता हूँ, और जो क्विक क्विज है उसमें आपको क्या करना है, नीचे सबसे पहले चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना है, और उसके बाद आपको मुझे बताना है कि जो एल आई है यू एल है इन सारे एलिमेंट्स का क्या कहना है आपका, क्या ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, एक तो आपको एल आई ये बताना है मुझे, उसके बाद आप लोगों को मुझे बताना है ई एम टैग जो है वो कैसा है, और उसके बाद मुझे डिव का भी बताना आप एक बार, हालांकि मैंने डिव का आप लोगों को ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है बट आप लोग मुझे बताना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बस इतना ही काफ़ी है, आई थिंक दिस इज़ गुड, एंकर टाइप भी मैंने बता दिया है, तो अगर आप लोग सिर्फ इतना ही मुझे बताएं तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम जी का भी मुझे बता देना एक बार, आई एम जी तो ऑब्वियस है बट अगेन बता देना देख कर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये जो स्टाइल मैंने लगाया बस इसको थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, बस इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरा सिंटैक्स समझाऊंगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ चुपका दिया है, तो आप लोग को बस इसको ऐसे ही कंज्यूम करना है। अभी जब हम सी एस एस पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरह बताऊँगा कि ये चीज़ मैंने कैसे करी, कैसे काम करती है चीज़। सो आई होप कि सब कुछ क्लियर है अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है। इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ यही था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है काइंडली इसको बुकमार्क करके सेव पे क्लिक करें और ये प्लेलिस्ट को अपना बना लें ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस देखें, बीच से वीडियोस ना देखें प्लीज़। और आप क्वेश्चन पूछेंगे अगर कुछ ऐसे जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एड्रेस कर दिए हैं तो मैं उनका जवाब भी यही दूंगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप कुछ एडवांस लेवल की भी HTML CSS JavaScript या बैकएंड लिखते हैं तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करें, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। सो आई होप आप इस वीडियो सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट में बताएं कैसी लग रही है वीडियो सीरीज़ आपको। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट time.